हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिब्जा और मेरे चैनल का नाम है यमी किड्स किचन। और आज मैं बनाने वाली हूँ दही फुल्कियाँ। ये बहुत ही इजी और ये सामान हर घर में अवेलेबल होता है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको बॉयल पानी चाहिए नमक वाला, और इसके चाहिए आपको 1 कप दही फुल्कियाँ। आप पतली वाली भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे मोटी वाली का यूज़ किया है। और ये है चाट मसाला, और ये है सिरका, हाफ बाउल दही और छोटा सा प्याज कटा हुआ, बॉयल आलू और हाफ टी स्पून से भी कम काली मिर्च, और एक हाफ टी स्पून हमने ली हुई है रेड मिर्च, और हाफ टी स्पून है जीरा, हाफ टी स्पून है नमक, और हमें चाहिए इसके लिए मेयो। चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने अपनी दही फुल्कियाँ इस नमक वाले पानी में डाल के इसको हमने छोड़ देना है। इसको हमने इस तरह से पानी में डुबा के इसको हमने छोड़ देना है। अब हम अपनी नेक्स्ट चीज़ तैयार करते हैं। तो हमने फिर ये सारे मसाले इस दही में डाल देने हैं, और फिर हमने इसको अंदर प्याज डालने हैं। ये छोटा प्याज कटा हुआ आपने ले लेना है। ऑलराइट, और फिर आपने इसके अंदर डाल लेना है चाट मसाला, हाफ टी स्पून हमने डालना है चाट मसाला, हाफ टी स्पून हमने डालना है चाट मसाला, और फिर हमने डालना है हाफ टी स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून जीरा। सिरका, हाफ टेबल स्पून हमने डालना है सिरका। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अब हमने इन सब चीज़ों को रख के और फिर हमने नेक्स्ट चीज़ की तैयारी करनी है। इसके लिए हमें चाहिए एक बॉयल्ड आलू, और इसको हमने नाइफ से कट करना है। अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा आलू कट गया है, और इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच मेयो डालूंगी। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच मेयो डालेंगे। हमने डाल दिया इसके अंदर 1 चम्मच मेयो। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने ये कटे हुए आलू। ऑलराइट, अब मैं इसको करूंगी मिक्स। फ्रेंड्स, देख सकते हैं मेरा ये अच्छे से ये बैटर रेडी हो गया है। दही फुल्कियों से मैंने पानी निकाल लिया। मैं आपको बताती हूँ कि कितनी नरम हो गई हैं, ये देखें। अब हमने इसको डाल देना है अपने बाउल के अंदर। ऑलराइट, अब हमने इसके अंदर डाल देना है अपना ये तैयार किया हुआ बैटर। ऑलराइट, इस तरीके से आपने इसके अंदर सारा सामान डाल के इसको फिर अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे दही दही फुल्कियाँ कितनी अच्छी बनी है।
वाह गाइस इट्स सो अमेजिंग। और इसको डेकोरेशन के लिए मैंने इसके लिए मिंट के पत्ते और सॉस का यूज किया केचप। अगर आपके पास ये ना हो आप सिंपल टॉपिंग भी कर सकते हैं, आप चाट मसाला लेके भी इसकी टॉपिंग कर सकते हैं वो भी चलेगा, पर यहाँ पे मैंने सॉस का यूज किया। तो मेक श्योर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। ओ लेट्स नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।